हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें मेन जो स्टिच है वो गॉर्डियन स्टिच होगा और उसके लिए मैं ये वूल का यूज़ कर रही हूँ और ये वाला थ्रेड इसमें यूज़ होगा, ये 100% कॉटन और ये टू कलर्स में है। और ये वाला अक्सर आप लोग पूछते हैं कि कौन सा थ्रेड यूज़ किया है आपने, तो ये DMC का था एक्चुअली, ये बहुत स्मॉल साइज़ का रह गया है। तो इस तरह से ये वाले गोले होते हैं जो मिलते हैं ये बॉल शेप में, ठीक है, ये वाले हैं। तो उसके लिए हमें इस साइड से, मैं इनर साइड से, ये देखें ऐसे हमने निकालना है स्टिच यूं, अब ये आपने स्टिच निकाल लिए। यू इस तरह से हमने ट्विस्ट करना है धागे को, ये ऊपर यूं ऐसे और यूं, ये और ये देखें इस तरह हमने, और फिर ऐसे,
अब हम ये लीफ जो है ये फ्लाई स्टिच के साथ बनाएंगे। आप सिंपल एक कलर में सेम कलर का भी धागा यूज़ कर सकते हैं, ये तो बाई कलर है ना, मतलब टाई एंड डाई टाइप है। आप सिंपल एक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी दो कलर का ही यूज़ करें। अब हम ये वाला लीफ बनाएंगे और ये हम बनाएंगे रोमानियन स्टिच के साथ। इसे आपने थंब के नीचे रखना है ऐसे यूं, ऐसे इधर ये हाफ पे आपने नीडल निकाल लेनी है और फिर इसके ऊपर से ओवरलैप करते हुए आपने यूं आगे नीडल निकाल। अब इसको हम पोलिन स्टिच के साथ बनाएंगे, ये वाला जो है। एक लॉन्ग और एक शॉर्ट के साथ बनाएंगे हम। अब हम इसे नेट स्टिच के साथ बनाएंगे।
अब हम इसे फिल करना शुरू करते हैं। तो फिल करने के लिए क्या होता है कि ये एक जो है ऐसे हम लेते हैं इस तरह से, यूँ ऐसे फिल करते हैं इसे, जैसे ये लिया है, ये नीचे था दबा हुआ, प्रेस हुआ था, इसे हमने ऊपर उठाया। अब ये वाला ऊपर है तो इसे हम प्रेस करके ये वाला उठाएंगे ऊपर, ये वाला, अब नेक्स्ट ये देखें, ये ऐसे इस तरह से, अब इसे हम पोलो नॉट के साथ करेंगे फिल। अब यहाँ पर हम लेजी डेजी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे डबल कर लिया धागे को। इस सारे फ्लावर को हम इसी तरह से
लेजी डेजी के साथ कर लेंगे। आप इसमें बीड्स का यूज़ भी कर सकते हैं, कोई और स्टिच भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे मैं इसकी आउटलाइन भी दूंगी। आप किसी भी तरह से बैक स्टिच के साथ आउटलाइन दे सकते हैं, आप स्टेम स्टिच के साथ भी आउटलाइन दे सकते हैं, आप इसमें बीड स्टिच भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप फ्रेंच नॉट से फिल भी कर सकते हैं, और उसके साथ यहाँ पे फ्रेंच नॉट की आउटलाइन भी दे सकते हैं। तो इस ये जो मोटिफ है, ये आप किसी भी जगह पे बना सकते हैं। ये वाली पार्ट इसका अगर आप डिस्कार्ड कर दें, ना बनाएं, और इसी तरह से सेम ऐसे इसी डायरेक्शन में एक और बना लें, तो ये बहुत खूबसूरत सा मोटिफ आपका बन जाएगा। और इसी तरह आप इसे ब्लाउजेस के ऊपर बना सकते हैं, ब्लाउज की स्लीव्स के ऊपर बना सकते हैं, अपने स्कार्फ पे ये बना सकते हैं, शर्ट्स पे बना सकते हैं, किसी भी जगह पर हर तरह से ये आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये मैंने वूल यूज़ की है, वूल की बजाय आप अगर आप चाहें तो आप 6 स्ट्रैंड्स का थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं उसकी, लेकिन आपको 6 स्ट्रैंड्स ही लेनी पड़ेंगी ताकि वो थोड़ा सा थिक हो जाए। और यहाँ पर भी आप सिंगल की बजाय 6 स्ट्रैंड्स वाला यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ वूल, एनी काइंड ऑफ थ्रेड, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड विथ 6 स्ट्रैंड्स। और आप यहाँ पे इसके अंदर बीड्स भी लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब करें, और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।